जनपद मथुरा में थाना छाता पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मामलों से वंचित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पकड़े गए अभियुक्त के पास से अवैध असलाह व एक ट्रक भी बरामद किया है। आपको बता दें कि मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत थाना छाता पुलिस व स्वाट टीम ने कई मामलों से फरार चल रहे वंचित अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया अभियुक्त राकेश जाटव निवासी गड़ी भीमा थाना शेरगढ़ का रहने वाला है। बताया गया है कि मथुरा में कई मामलों से फरार चल रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने फरार बदमाश की घेराबंदी शुरू कर दी। वहीं बदमाश ने अपने ट्रक को थाना छाता क्षेत्र के सेमरी की तरफ कच्चे रास्ते पर उतार दिया, जहां पुलिस पर फायर ठोक दिया गया, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से अवैध असलाह एक ट्रक भी बरामद कर लिया गया, जिसे पकड़ कर पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। जनपद मथुरा में गोकुल के रामरड़ेती में चल रहे संत सम्मेलन में पहुंचे योग बाबा रामदेव, वहीं कार्यक्रम में शिरकत की, साधु संतों से मुलाकात की, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी नारा लगाया। वहीं गोकुल के रामरड़ेती धाम संत गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम में चल रहे संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। कार्यक्रम में दूर दराज से साधु संत इकट्ठा हुए। यह सम्मेलन आगामी चुनाव में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजन किया। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वालों पर पलटवार किया, कहा जो लोग सबूत मांग रहे हैं वह नेशनल असुर गैंग है या लगता है संदेश के वातावरण में पैदा हुए उनके DNA में ही शक है। देश की सेना ने आतंकवादियों को ध्वस्त किया है, अब किस बात का सबूत मांगते हैं। साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव ने विदेशी कंपनियों के बहिष्कार पर भी जोर दिया, कहा यूनिलीवर कंपनी ने हमारे संबंधों का मजाक उड़ाया है। अपनी एक चाय बेचने के लिए विदेशी कंपनियों के लिए संबंध एक समान होते हैं, हमारे लिए संबंध माता पिता भगवान होते हैं। विदेशी कंपनियों ने देश की दरिद्रता में धकेला है, साथ ही विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए, आर्थिक रूप से ये देश पर कब्जा कर रहे हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। जिला अधिकारी के आदेशानुसार स्वस्थ भारत मिशन योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे सफाई कर्मियों व ग्राम प्रधान पुत्र श्री हंस राम को जान से मार देने की धमकी दी गई। यह मामला है ब्लॉक बिजुआ के ग्राम पंचायत पिपरा खुर्द के ग्राम मजरा पिपरिया झाऊ, जहां जिला अधिकारी के आदेशानुसार स्वस्थ भारत मिशन योजना के अंतर्गत रोस्टर के द्वारा सफाई कर्मी की टीम सफाई करने के लिए पहुंची और गांव में सफाई का कार्य कर रही थी, जिसके चलते मौजूदा प्रजान के सुपुत्र श्री हंस राम जी वर्मा वहां देखरेख के लिए मौजूद थे। उसी गांव के दबंग धर्मपुत्र गोवर्धन लाल घर से बाहर निकला और ग्राम प्रधान से अपशब्द कहते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए घर से लाइसेंसी बंदूक निकाल लाया। आपको बताते चले कि उसने ऐसा यह कहते हुए कहा कि उसने कहा कि ग्राम सभा के गांव पिपरिया में नालियां बनी हुई जो कि उसने खुद पाट रखी है। जब प्रधान जी ने उससे कहा कि आप इन नालियों को ना पाटे और इसको साफ रहने दें, तो वह सफाई कर्मियों को गाली गलौज देते हुए बोला कि यह नालियां नहीं खुलेंगी और यदि किसी ने खोलने की कोशिश की तो उसे जान से मार देंगे। वहीं अपशब्द का प्रयोग करते हुए प्रधान जी के सुपुत्र को गाली दी और वहां मौजूद मीडिया के लोगों को भी जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके चलते प्रधान सुपुत्र श्री हंस राम जी ने सफाई कर्मी की टीम के साथ लेकर, जिसमें सफाई कर्मी लेखराम आशा राम रामू इसरार इत्यादि लोग थे, इन सब को लेकर भीरा कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने सूचना दी। हीरा कोतवाली के आला अधिकारियों को संज्ञान कराते हुए बताया और उसके खिलाफ मामले की उचित कार्यवाही करने की सांत्वना दी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए लुकमान रजा की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। सांसद हरिओम पांडे ने अकबरपुर सर्किट हाउस में 5.25 करोड़ से बने 3 पुल और 4 मार्ग का किया शिलान्यास। जिले में लगभग 5.25 करोड़ की लागत से दिनांक 4 मार्च और को 3 छोटे पुल का समारोह शिलान्यास हुआ और भाजपा सरकार द्वारा तेजी से विकास कार्यों का सुनिश्चित किया गया। इस मौके पर सांसद हरिओम पांडे ने केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार मार्गों का निर्माण पर प्रमुखता से सुनिश्चित करा दी, इससे आवागमन व्यवस्था बेहतर हो रही। वहीं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष ज्ञान सागर सिंह, वरिष्ठ नेता इंद्रमणि शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष संतोष वर्मा, नगर उपाध्यक्ष अतुल वर्मा, मीडिया प्रभारी विवेक पांडे और बहुत सारे कार्यकर्तागण मौजूद रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दुर्गेश कुमार की रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर।
मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के घोगरडिया प्रखंड अंतर्गत रतौली मध्य विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक की कुर्सी के लिए जंग छिड़ी हुई है, जो काफी विकराल स्थिति का रूप ले लिया है। जब शिक्षक आपस में खींचातानी करने लगे तो ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही रतौली गाँव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और स्कूल में ताला बंद कर दिया। तब शिक्षकों ने घटना की जानकारी प्रखंड प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण किशोर महतो को दिया, जिसके बाद शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर वरीय बीआरपी राजनारायण प्रसाद ने वस्तुस्थिति का हाल जानने विद्यालय घर पहुंचे। विद्यालय पर पहुंचे जहां स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने ग्रामीणों को समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने साफ विद्यालय खोलने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि वर्तमान में महेश्वर प्रसाद प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रभार हैं और विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन उक्त गांव के ही एक नियमित शिक्षिका विद्यालय के प्रभार लेने को अखाड़ा बना दिया है, जिससे विद्यालय में पठन पाठन में काफी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने उक्त शिक्षिका उर्मिला देवी पर कई संगीन मामलों का आरोप लगाया है, जो न्यायालय में लंबित हैं। जब मैंने यहाँ पर आया तो देखा कि नए गेट लगा हुआ है और आम लोग आम जनता का बहुत भारी आक्रोश है और नारा लगा रहे हैं कि ललित पासवान को हटाओ, ललित पासवान को बोतल करो। ललित पासवान कौन है? ललित पासवान सहायक शिक्षक है और खड्यंतकारी का नारा लगा रहे हैं कि वो खड्यंतकारी है और अस्त व्यस्त है, वो शिक्षक इत्यादि का नारा लगा रहे हैं। यहाँ बड़ा गंभीर स्थिति है, बड़ा आक्रोशित ग्रामीणों के बीच हम बहुत परेशानी में हैं कि हम कैसे यह चार्ज दिलावें, यह रूम, यह गेट लगा हुआ है, रूम लगा हुआ है, इस स्थिति में क्या करें। हम अपने मैं यहाँ आया हूँ और हमारे मीडिया भाई लोग भी हैं और मैं इन लोगों से बात करते हैं कि क्या मांग। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए रूपेश कुमार की रिपोर्ट, मधुबनी।